हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू प्लेस ऑफ मिराग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जो कि है यूनिट नंबर 1 पे, डिफरेंशियल कैलकुलस पे। उसमें हम देखने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर जितने भी सारे थ्योरम्स हैं वो सब कुछ देखेंगे। उससे पहले हमने जो ये वीडियो की सीरीज चालू की है, इसमें फर्स्ट वीडियो था हमारा पूरा हमारा सेमेस्टर 1 का पैटर्न, भाई मार्क्स कैसे रहेंगे, कैसे कितने सब्जेक्ट्स है, वो पूरा इन डिटेल में हमने उस वीडियो में देखा था। उसके बाद में हमने दो वीडियो बनाए थे जिसमें मैथ्स का पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट इंजीनियरिंग फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलो आज हम चालू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर का वीडियो, जो कि है फर्स्ट टॉपिक रोल्स थ्योरम के ऊपर। सो बच्चों, रोल्स थ्योरम सारे थ्योरम्स ही है। M1 में बच्चों सारे एप्लीकेशन ओरिएंटेड, मतलब सारे थ्योरम्स ही रहेंगे। ओके, उसमें फर्स्ट वाला थ्योरम है रोल्स थ्योरम। अभी ये रोल्स थ्योरम आया कहाँ से, किसने लाया, क्यों लाया, वो सब डिटेल में हम देखेंगे। सो चलो चलते हैं हमारे दादा के जमाने में, दैट मीन्स 1691 में, राइट, 1691 में हम चलते हैं फ्रांस में। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था माइकल रोल। कौन था? माइकल रोल नाम था उनका। उन्होंने ये थ्योरम निकाला, मतलब प्रूव किया कि भाई एक फंक्शन रहेगा जो कि कंटिन्यूअस रहेगा, डिफरेंशियल रहेगा, तब एक ऐसा एक पॉइंट रहेगा जो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा। ऐसा उन्होंने बहुत कुछ बोला और उसी को आगे जाके बोला गया रोल्स थ्योरम। आया समझ में? कौन थे वो महाशय जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे? वो थे माइकल रोल। तो उन्हीं के बेसिस पे ये रोल्स थ्योरम आया है। हम पूरा इन डिटेल में पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम होता क्या है, क्या होता है। जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है कि भाई मैम 10 फुट ऊपर से गया हमारे रोल्स थ्योरम, कुछ नहीं समझ में आया। बच्चों गारंटी लेती हूँ इस वीडियो के बाद हर एक के जुबान पे रहेगा रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम। इतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, नहीं समझता है कमेंट करो, फिर से अच्छे से समझाएंगे। ओके चलो बच्चों, सो रोल्स थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, भाई आपको इंजीनियर बनना है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर अपना क्लियर करना है, तो आपको बेसिक 11 12 तक जितना भी पढ़े हो उतना सब कुछ थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, सो उसमें सबसे पहला एक वर्ड आता है फंक्शन। तो बच्चों फंक्शन क्या रहता है? कुछ तो मैम f(x) जैसा दिखता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं, बस इतना ही है। तो फंक्शन क्या रहता है f(x)? अभी f(x) ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके आगे वाली जो भी चीज रहेगी वो x रिलेटेड रहेगी। मानो कि भाई 3x² है प्लस 2x है, ये क्या हुआ? मेरा फंक्शन हुआ। क्यों फंक्शन हुआ? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, उसमें क्या है? x है। इसलिए हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? f(x) से डिनोट करेंगे। गॉट इट? f(x) क्या है बच्चों? आफ्टर दैट नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी इंटरवल। सुना है मैम? सुना है याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है ना। सो चलो इंटरवल के बारे में देखेंगे। भाई मैम हमें मूवी का इंटरवल बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी पता है, बट हम मैथ्स के इंटरवल की बात कर रहे हैं। ओके, सो मैथ्स में हम जाएंगे 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, कुछ बच्चों का 8th स्टैंडर्ड में भी हुआ होगा, बोर्ड्स पे डिपेंड है। तो चलो 9th स्टैंडर्ड में जाते हैं, हमें चैप्टर था सेट, याद आ रहा है कुछ? सेट सुना था भाई, सुना था, यस, रिकॉल करो। यहाँ पे था इंटरवल। इंटरवल मानो एक ग्रुप, एक पार्ट, जो पार्ट यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे था फर्स्ट वन मेरा ओपन इंटरवल। इंटरवल के टाइप्स में मेरा फर्स्ट आता था ओपन इंटरवल, नेक्स्ट मेरा आता था क्लोज इंटरवल। क्या था? क्लोज इंटरवल। सो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में क्या था वो हम देखेंगे। सो ओपन इंटरवल मानो मेरा यहाँ पे दो पॉइंट से दो बंदे खड़े हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी बंदा है, और इनके बीच में बहुत सारे बंदे खड़े हैं,
बहुत सारे बंदे यहाँ पे खड़े। तो मुझे क्या करना है, ग्रुप को लेना है, एक सेट को लेना है। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ ए और बी के बीच वाले बंदों को ले लूंगी, ओके, सिर्फ इन दोनों के बीच वाले बंदों को ले लूंगी। तो उसको बोला जाएगा ओपन इंटरवल। समझ में आया, ओपन इंटरवल। मानो क्या रहेगा, इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट में, यहां पे मैं लिखूंगी ए कॉमा बी नॉर्मल ब्रैकेट में। सो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा उसका मीनिंग है आप ओपन इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें क्या रहेगा, आपको ए और बी छोड़ देना है, सिर्फ बीच वाले लेने, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है क्लोज इंटरवल। उसमें क्या होगा, ए है बी है, उन दोनों को हमें क्या करना है, लेना है। उसके साथ साथ जो भी बीच में है वो भी मुझे क्या करना है, लेना है। तो इसको हम डिनोट करेंगे क्लोज ब्रैकेट से ए कॉमा बी। जब भी आपको ऐसा दिखाई देगा तो समझो आपको ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, और उनके बीच में जितने भी सारे नंबर से जो भी है उसको भी लेना है। समझ में आया इंटरवल के टाइप्स कितने हैं, कैसा है पूरा इन डिटेल में। चलो नेक्स्ट वन है, ये तो आई हमारी इंटरवल की कंसेप्ट। उसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा टेंजेंट। हाँ टेंजेंट, टेंजेंट कुछ तो था, याद आ रहे हैं भाई मैम, टेंजेंट पता तो है बट एग्जैक्टली क्या था वो याद नहीं है। तो ये एक सर्कल रहेगा, सर्कल में एक लाइन हम निकालेंगे, ऐसी लाइन निकालेंगे जो लाइन सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट से उसको इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो उसको बोला जाएगा टेंजेंट। उसको बोला जाएगा टेंजेंट। इसको क्या बोला जाएगा, ये लाइन को पूरा क्या बोला जाएगा, सपोज एल है तो क्या बोला जाएगा, टेंजेंट एल। ओके फाइन, आया समझ में। तो ये है हमारी टेंजेंट की कंसेप्ट जो हमें लगने वाली है थ्योरम के टाइम पे। सो चलो अभी हम देखेंगे पूरा रोल्स थ्योरम। क्या रहता है भाई रोल्स थ्योरम, इफ, स्टार्टिंग आई इफ से, इफ अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देखो थ्योरम क्या है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेरा, फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, जो कि मेरा क्लोज इंटरवल कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉमा बी। आया समझ में, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिखाना है कि भाई जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा इन अ क्लोज इंटरवल ए एंड बी, जो भी है मैं बाद में समझा दूंगी। उसके बाद सेकेंड वाली चीज है मेरी, सेकेंड वाली चीज है ये जो मेरा फंक्शन है इट इज अ डिफरेंशियल इन अ ओपन इंटरवल। हमें दिखाना है ये डिफरेंशियल है कि नहीं भाई, डिफरेंशियल इन अ ओपन इंटरवल। देखो बहुत शॉर्ट किया है मैंने इस वाले थ्योरम को, डिफरेंशियल इन अ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को दिखाते कैसे है भाई, मैंने अभी आपको बताया था नॉर्मल ब्रैकेट में ए कॉमा बी। थर्ड चीज हमें दिखानी है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्या दिखानी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देखो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, वो डिफरेंशियल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल में, थर्ड वन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, देन थ्योरम क्या बोलता है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, कौन सा भी पॉइंट रहेगा, सी रहेगा, पी रहेगा, जो भी है, विच इज इन ए एंड बी, वो किस में रहेगा, ए और बी के
बीच में रहेगा, वो किसके बीच में रहेगा, ए और बी के बीच में रहेगा, सच दैट अगर ये जो सी वाला फंक्शन है उसका मैं डेरिवेटिव्स निकालूंगी, राइट, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, सच दैट क्या होगा, एफ डैश सी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये है भाई मेरा थ्योरम, बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश मैंने की है कि क्या रहेगा भाई, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो कंप्लीटली वो बी तक जाएगा, उसके बाद डिफरेंशियल इन अ ओपन इंटरवल, डिफरेंशियल इन अ ओपन इंटरवल मतलब कंपल्सरी ए और बी के बीच वाले जो भी वैल्यूज है उनके साथ वो डिफरेंशिएट करेगा, उसके बाद एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट रहेगा उनके बीच में जहां से हमारा ग्राफ चालू हो रहा है, सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे भी बी पॉइंट है, यहां से यहां तक मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन उस वाले ग्राफ पे एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि जो ए और बी के बीच में रहेगा, उसका डेरिवेटिव जीरो रहता है, उसका डेरिवेटिव जीरो रहता है। ओके आ रहा है कुछ तो समझ में, डेफिनेटली अभी जब जैसे हम सम्स देखेंगे, जैसे हम प्रॉब्लम्स देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ओके चलो एक थोड़ा सा ग्राफ लेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये जो थ्योरम है उसका ग्राफ कैसे रहेगा। सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ए है, यहाँ पे मेरा पॉइंट बी है। ओके यहाँ पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, पूरा लेती हूँ। सो ये रहा मेरा एफ ऑफ ए, मेरा फंक्शन है एफ ऑफ बी। ओके सो यहाँ से मेरी फर्स्ट लाइन, अगर ए टू बी मेरा कंटिन्यूसली है, कंटिन्यूस मेरा फंक्शन है जो कि ए और बी, मतलब ए को भी लेगा बी को भी लेगा, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ओपन इंटरवल के साथ, उसके बाद एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ बी रहेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक पॉइंट रहेगा जिसका डेरिवेटिव्स, सी पॉइंट लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा बच्चों, अभी थोड़ा और पीछे जाएंगे, हमें पता है डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है, हमेशा याद रखो बच्चों डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स एक्सिस, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो रहता है हमेशा। तो अगर एक्स एक्सिस का डेरिवेटिव जीरो है तो उसके पैरेलल में जो भी चीज, जो भी लाइन रहेगी उसका भी डेरिवेटिव क्या रहेगा, जीरो ही तो रहेगा। तो ये सी से जो भी पॉइंट मेरा बनेगा वो भी क्या रहेगा, जीरो ही तो रहेगा। सो दैट मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, हो गया थ्योरम खत्म। कितने भी इसको पैरेलल आने दो, ये एक्स एक्सिस का अगर डेरिवेटिव जीरो है तो इसका भी डेरिवेटिव जीरो ही रहेगा, बराबर है। तो यही है मेरा रोल्स थ्योरम। क्या बोलता है रोल्स थ्योरम, अगेन हम रिवाइज करेंगे, बोलो बच्चों मेरे साथ, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, अभी क्लोज इंटरवल आपको दिमाग में आना चाहिए भाई, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा उसके बीच में ए एंड बी रहेगा। ओके सो हम बोलेंगे कैसे स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन अ ओपन इंटरवल, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। भाई ये तीन स्टेप्स हमें दिखाने, तीन स्टेप्स हमें दिखाने, उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, सपोज माना हमने उसको x इज इक्वल टू सी ले लिया, सच दैट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन c मस्ट बी जीरो, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू जीरो। तो ये है मेरा पूरा रोल्स थ्योरम, समझ में आया बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बेसिस पे, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ये कुछ तो फंक्शन दिया जाएगा हमें वेरीफाई करना है, उसके लिए हमारे ये तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें दिखाने पड़ेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं, बाद में हमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दिखाना पड़ेगा, और बाद में हमें एक फंक्शन सी उसका डेरिवेटिव्स
जीरो वो भी दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा सब कुछ होता है दैट मीन्स हमारा रोल्स थ्योरम वहां पे वेरीफाइड हो रहा है। अगेन एक बार रिवाइज करेंगे, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन अ ओपन इंटरवल, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी सच दैट डेरिवेटिव्स ऑफ अ सी इज इक्वल टू जीरो। Got it बच्चों? कैसा है रोल्स थ्योरम? अच्छा है ना? अभी आपको लर्न हुआ होगा, थोड़ा और देखो, बार बार वीडियो को देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा रोल्स थ्योरम। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, जो वेरीफाई के क्वेश्चंस रहेंगे, वेरीफाई रोल्स थ्योरम उसके वो क्वेश्चंस रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलना। और बच्चों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। Thank you.